नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग अपर लिम एंजियोग्राफी करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पेशेंट लेटा हुआ है और उसकी सारी डिटेल फिल करके हमने उसकी पोजीशनिंग कर दी है और अब स्टार्ट स्कैन का वेट कर रहे हैं। ठीक है पेशेंट, ये देखिए हमने स्टार्ट स्कैन स्टार्ट कर दिया और ये पहला स्काउट आ गया। स्काउट आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पहला स्काउट आ रहा है डिस्प्ले पे। पहला स्काउट आ जाएगा, इसके बाद फिर दूसरा स्काउट लेने के लिए बटन को दोबारा को प्रेस करेंगे, स्टार्ट स्कैन के बटन को, वो भी तब जब टेबल वापस अपनी होम पोजीशन पे आ जाएगी। तब अभी टेबल अपने पोजीशन पे वापस आ रही है, उसके बाद हम दोबारा बटन को प्रेस करेंगे और फिर जो दूसरा स्काउट है वो हमारा आएगा। ये देखिए हमारा दूसरा स्काउट भी आना धीरे धीरे शुरू होने वाला है। ये देखिए आ गया। अभी हम इसका कंट्रास्ट सेट करेंगे तब आपको चीज दिखेगा। ये देखिए इसका कंट्रास्ट सेट किया, दिखेगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट सीरीज करेंगे क्योंकि स्काउट हमारा सही है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आरओई लगा के कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नए बच्चों के लिए है, जिनको एंजियोग्राफी करने नहीं आती, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये पहला स्काउट आप सिर्फ आचा बरोटा के पास प्लान कर लीजिए। ठीक है, दो चार कट ले लीजिए, से आपको ये पता चल जाए कि आपको आरओई कहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, बाबूजी का बोलस बोलते हैं हम लोग, आरओआई बोलते हैं, है ना। अब ये प्लान कर लिया, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है, दूसरे मॉनिटर पे आएंगे और कंफर्म कर देंगे। देखिए ये कंफर्म कर दिया गया। ठीक है, जो भी 5 से 10 सेकंड का समय लगता है वो लगने के बाद स्कैन हो जाएगा। वो भी टेबल दे दी गई है, वो स्कैन बस आने वाला, अभी थोड़ी देर में हमारा स्कैन आएगा उस एरिया का जहाँ पे हमने प्लान किया था। ये देखिए आ गया। ठीक है ना, उसके बाद हम इसको देख के दोबारा से नेक्स्ट सीरीज करेंगे। नेक्स्ट सीरीज करने के बाद हम इसकी प्लानिंग करेंगे, अपर लिम्ब की प्लानिंग करेंगे। अपर लिम्ब बायलेटरल अपर लिम्ब, क्योंकि एक हाथ रख के एक हाथ छोड़ थोड़ी जा सकते हैं, तो बायलेटरल ही करेंगे दोनों, चाहे लेफ्ट लिख के आए राइट लिख के आए। अब अगर पेशेंट को कोई समस्या है कि वो हाथ आगे पीछे नहीं कर सकता, तो जिस हाथ में करना हो उसी हाथ में कर देते हैं। ठीक है, अगर पीछे जा रहा तो कर दिया, नहीं जा रहा तो भी करते हैं। लेफ्ट राइट दोनों एफओबी को आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, किसी भी तरह से कटना नहीं चाहिए कि मतलब पेशेंट छूट जाए, दोनों स्काउंट में देख लें, सॉफ्ट टिश्यू कटना नहीं चाहिए। देखिए ये प्लानिंग हो रही है, एफओबी सेट हो गई है। ठीक है, अब दोबारा स्मार्ट ट्रिप पे आते हैं। ये जी का सिस्टम है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये सिस्टम पे दोबारा आते हैं और ये जो हमने थिन इमेजेस हैं जो 5 mm में कट लेना, उसका थिन इमेजेस खोलते हैं और जहाँ पे हमें आरओआई लगाना, जहाँ से हमारा कंट्रास्ट पहुँच के स्कैन की ट्रेसिंग होगी कि हमारा कंट्रास्ट पहुँच गया, जितना एचयू हमने डाला था वो एचयू आ गया है, स्कैन स्टार्ट हो गया। देखिए इसकी आई 721.57 है, तो ये लोकेशन मॉनिटर लोकेशन में ला के भर देंगे ये जो नंबर है, ताकि हमारी टेबल उसी जगह पर आरओआई लगाने से पहले जो स्कैन देंगे वहाँ पर पहुँच जाएगी, जो लोकेशन हम यहाँ से भरेंगे। मॉनिटरिंग डिलेड आप 5 सेकंड रखिए, 10 सेकंड, 5 सेकंड से मिल ज़्यादा नहीं और कम नहीं हो सकती है। ठीक है, मॉनिटरिंग आई एस डी 1.0 करके अभी देखिए कंफर्म कर दिया गया। ठीक है, कंफर्म। अभी जो ये आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, यही इमेज आरओआई लगाने के लिए वापस आएगी। ठीक है ना, अभी स्टार्ट स्कैन कर देंगे सिर्फ उसी इमेज। ठीक है ना, एक टेबल दे दी गई है और बस इस हमारी इमेज आने वाली है जिसपे हमें आरओआई लगाना। देखिए आ गई है ये इमेज, है ना, नंबर भी देख लीजिए आप, आई 721.57। ये हमारा देखिए आरओआई लग गया, आरओआई ये देखिए, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर लग गया। और जो इसकी एचयू वैल्यू जो वहाँ पे सेंड, अगर वहाँ पे 100 होगी तो जब यहाँ पे कंट्रास्ट की एचयू 100 पहुँच जाएगी तब हमारा स्टार्ट स्कैन हो जाएगा। आरओआई ट्रेस होने के 5 से 8 सेकंड बाद स्कैन हमारा चलता है, ताकि कंट्रास्ट पीछे पीछे और सॉरी कंट्रास्ट आगे आगे स्कैन पीछे पीछे चलता रहता है। देखिए कंट्रास्ट का ये ग्राफ आ रहा है, आरओई की ट्रेसिंग हो रही है बस, क्योंकि पैर में वीगो लगा हुआ तो थोड़ा सा समय लगता है आने में। अभी ये ट्रिपल फेस होता है, अब तक ट्रेस हो जाती है आरओई हमारी, बस कंट्रास्ट आने वाला। ये देखिए ग्राफ देख रहे हैं आप, चढ़ रहा है, ये देखिए कंट्रास्ट आ रहा है, और जैसे ही एचयू लेवल ये देखिए क्रॉस करिए, आरओई ट्रेस होगी। अब हमारा स्कैन बस स्टार्ट होने वाला है 2 से 4-5 सेकंड में, बस स्कैन की इमेजेस हमारी आने वाली है। देखिए ये हमारी स्कैन आ गई। ठीक है, अभी तक तो दोनों में बराबर आर्टरीज चल रही हैं दोनों हाथों में। इस पेशेंट के लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग आ रही है, 2-4 दिन से स्वेलिंग है, तो डॉक्टर ने इन्हें अपर लिम्ब एंजियोग्राफी के लिए बोला। तो ये दोनों हाथों में बराबर आर्टरी चल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टीरियल फेस। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, रिपीट सीरीज कर देंगे और एक
डिलेट फेज ले लेते हैं थोड़ा सा रिपीट सीरीज करके, टेबल हमारी फिर वापस आ रही है होम पोजीशन पे आएगी, भी जहाँ से स्कैन सेट है वहीं से स्कैन होगी, उसके बाद दोबारा फिर टेबल देंगे हम लोग, फिर दोबारा स्कैन होगा, उसके बाद कुछ नहीं करना, पेशेंट को बाहर कर देंगे। ये देखिए ये दोबारा स्कैन हो रहा है, इसमें वेन में भी कंट्रास्ट जा चुका है ना, अभी आर्टरी से निकल के वेन में भी आ चुका है, ये हमारा हो गया। इसके बाद सिंपल पेशेंट को आउट कर देंगे, उससे पूछ लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, पेशेंट को आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो फिल्मिंग का है, फिल्मिंग के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने आपको करने के लिए बताया, कोई वीडियो में संबंधित समस्या हो तो बताइएगा जरूर।